चुनावी घोषणा पत्र को लेकर बीजेपी कांग्रेस में घमासान छिड़ा हुआ है। इसी कड़ी में कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता प्रेम कौशल ने बीजेपी के चुनावी घोषणा पत्र में दुकानदारों और किसानों को पेंशन देने की बात कहने को हास्यास्पद करार दिया है। कौशल ने बीजेपी को याद दिलाते हुए कहा कि वाजपेयी के समय लाखों कर्मचारियों की पेंशन बीजेपी ने बंद की थी, जिसे आज दिन तक बहाल नहीं किया गया, और अब इन चुनावों में फिर से निम्न तबके को पेंशन का सब्ज बाग दिखाना सगुफा है। किसी वर्ग को समाज की कोई राहत मिले, कांग्रेस पार्टी उसका स्वागत करती है। कांग्रेस पार्टी ने स्वयं समाज के हर वर्ग को राहत देने का प्रयास किया है हमेशा से। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी की इस कमिटमेंट को एक और जुमले की संज्ञा दूंगा। भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलने में माहिर है। पिछले जुमले इनके फेल हो गए, अब नई कोई बात करनी थी तो कह दी। इस देश के हजारों लाखों करोड़ों कर्मचारी जिनकी पेंशन वाजपेयी सरकार ने बंद की थी, वाजपेयी जी भी भारतीय जनता पार्टी सरकार के ही प्रधानमंत्री थे, आज वो सड़कों पे आंदोलन कर रहे हैं, जिन्होंने अपना पूरा जीवन पूरी जवानी लोगों की सेवा में दी, सरकार की सेवा में दी। वो कह रहे हैं हमें पेंशन हमारी बहाल करो, उस पेंशन की तरफ ध्यान नहीं दे रहे, नई पेंशन लगाने की बात कर रहे हैं। और जिस वर्ग को पेंशन देने की बात कर रहे हैं, छोटे व्यापारियों की जिनका इन्होंने जिक्र किया है, उनकी तो कमर तोड़ दी, उनको तो बिजनेस ही बंद करा दिया आपने GST लागू करके। वो तो बेचारे कहीं के नहीं छोड़े आपने। अब उस चीज़ की भरपाई करने के लिए जो GST की मार दी है छोटे व्यापारी को, उसकी भरपाई करने के लिए इन्होंने एक नया लॉलीपॉप जो है वो देने की कोशिश की। पत्रकार वार्ता में प्रेम कौशल ने कहा कि आज बैकफुट पर पूरे देश में बीजेपी पार्टी है और हमीरपुर सांसद अनुराग ठाकुर झूठ बोलने में माहिर हैं। उन्होंने कहा कि अनुराग ने वायदा किया था कि हमीरपुर रेल पहुंचेगी, लेकिन वायदा पूरा नहीं हुआ है। उन्होंने ये भी कहा कि पता भी नहीं है कि रेल सर्वे हुआ भी है या नहीं। बैकफुट पे कांग्रेस नहीं है, बैकफुट पे तो आज भारतीय जनता पार्टी न केवल हमीरपुर बल्कि पूरे देश में झूठ बोलने की वजह से। और अनुराग झूठ बोलने में अपवाद नहीं हो सकते। और अनुराग झूठ बोलते हैं तो हिंदुस्तान के सुप्रीम कोर्ट में साबित कर दिया उन्होंने अपना माफीनामा देखे। अनुराग ठाकुर और नरेंद्र मोदी जी दोनों ने रेल का वायदा किया था, हमीरपुर पहुंचेगी रेल, पिछली बार जब लोकसभा के चुनाव थे। और किसी चीज़ का सर्वे होना, ये दिस इज़ ए पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। इन्होंने वादा सर्वे का नहीं किया था, हमें तो भी नहीं पता सर्वे कब हुआ, कहाँ से हुआ, वो हवाई जहाज के मार्ग से आएगी रेल या नीचे से आएगी, सुरंग से आएगी, कहाँ से आएगी, समुद्र से आएगी, कहाँ से, सर्वे कोई नहीं जानता उसको, और अनुराग जी को पता होगा। लेकिन वायदा भारतीय जनता पार्टी ने सर्वे का नहीं रेल का किया था, और वो रेल दूर दूर तक अभी कई वर्षों तक वो नज़र नहीं आती कि आएगी। कोई कागज कुगज की खिलौना रेल ले आए तो अलग बात है। और इस चुनाव में क्योंकि रेल के नाम पर झूठ बोला है मोदी जी ने भी हमीरपुर आकर सुजानपुर में आके, और अनुराग जी तो रोज़ बोलते हैं, तो इस चुनाव में इस पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी की और खासकर हमीरपुर की जनता मोदी जी की भी और अनुराग जी की दोनों की रेल बनाएगी। प्रेम कौशल ने कांग्रेस उम्मीदवार रामलाल ठाकुर की घोषणा पर कहा कि रामलाल ठाकुर सबसे ज्यादा और बढ़िया उम्मीदवार हैं जो कि बीजेपी के लिए परेशानी बने हुए हैं। उन्होंने कहा कि पूरी कांग्रेस एकजुटता के साथ चुनाव मैदान में उतर गई है, जिससे बीजेपी बौखलाई हुई है। एक चीज बड़े जिम्मेदारी के साथ आप लोगों से कह रहा हूँ कि हमीरपुर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में जो कैंडिडेट कांग्रेस पार्टी ने दिया है, वो जितने भी प्रत्याशी थे सब अपनी जगह योग्य थे, सबकी अपनी अपनी योग्यता और विशेषता थी, लेकिन ठाकुर रामलाल सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेबल कैंडिडेट विद इन कांग्रेस है। तो कहीं कोई ऐसी बात नहीं है कि उनके साथ कोई नहीं चल रहा है। कल वो अचानक एक दिन के उसमें उन्होंने अपना टूर प्रोग्राम बनाया जिसमें रोड शो था, वो कोई जिसको कहते हैं कि प्रॉपर इस तरह के कार्यक्रम नहीं थे। आप देखेंगे 14 तारीख का जो हमारा कार्यक्रम है, उसके बाद सब एक मंच पे होंगे और कांग्रेस एकजुटता के साथ लड़ेगी और जीतेगी। बीजेपी नेताओं के गरीबी हटाने के बयानों पर प्रेम कौशल ने कहा कि बीजेपी पार्टी समय दौरों की पार्टी है, केवल 5 साल शासन करने वाली पार्टी से कांग्रेस को गरीबी हटाने के लिए क्या करना चाहिए यह सीख लेने की जरूरत नहीं है। उन्होंने बीजेपी नेताओं से पूछा कि क्या 5 सालों में मोदी राज में देश का विकास हुआ है। जनता पार्टी के लोग ये नरेंद्र मोदी कहते थे मैं चाय बेचता था, ये व्यवस्था किसने दी? अगर वो सच बोलते हैं कि चाय बेचते थे तो इस देश को व्यवस्था किसने दी कि चाय वाला चाय बेचते बेचते देश का प्रधानमंत्री बन गया? गरीबी का जहां तक प्रश्न है, भारतीय जनता पार्टी क्योंकि सरमाएदारों की पार्टी है, सरमाएदारों के बारे में ही सोचती है, इसलिए ना इनको गुर्बत का पता है ना गरीब का पता है।
जब ये देश आज़ाद हुआ, इस देश में लोगों के पास पहनने को कपड़ा नहीं था, खाने को अन्न नहीं था, सुई तक इस देश के अंदर नहीं बनती थी, वहाँ से कांग्रेस पार्टी इस देश को यहाँ तक लेके आई है जिसका दावा ये 5 वर्षों में करने का करते हैं। तो गरीबी के बारे में भारतीय जनता पार्टी से कोई सीख लेने की आवश्यकता कांग्रेस पार्टी को नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने एक ऐसा देश आज़ादी के बाद कांग्रेस को मिला था जिसमें लोग भूख से मरते थे, पहनने के लिए कपड़ा नहीं था, घर नहीं थे। आज इतना विकसित हिंदुस्तान जो है, अगर है तो इसमें कांग्रेस पार्टी का बहुत योगदान है। आज गांव-गांव में आपको पक्के मकान मिलते हैं, ऐसे तो नहीं बन गए। आज इतनी गाड़ियां खड़ी करने की जगह इस हिंदुस्तान में बची नहीं है, जितने घर हैं उससे ज़्यादा गाड़ियाँ हैं। आज हर इंसान के जेब में जो है वो एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन है। तो ये समृद्धि ऐसे थोड़ा ना आ गई, कांग्रेस पार्टी की नीतियों और कार्यक्रमों से आई है। भारतीय जनता पार्टी और मोदी को तो जुमा अभी 5 वर्ष हुए हैं इस देश के अंदर आए हुए, और इन्होंने 5 वर्षों में झूठ बोलने के अलावा किया कुछ नहीं है।